हेलो गाइस, ये वाई जी लॉ और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ का डिफरेंस, इंटर रिलेशनशिप वगैरह वगैरह जो भी होता है, मोनोइज्म डुअलिज्म की जो थ्योरीज़ हैं, मोनोइज्म के अंडर में जो थ्योरीज आती हैं, अलग से जो थ्योरीज़ हैं, सब कुछ कवर करेंगे हम इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के बीच का जो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा सा टाइम वेस्ट मैं आपका करूँगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ नीचे एक लाल बटन है, उस पर लिखा है सब्सक्राइब, उस पर आप एक क्लिक मार दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है और म्यूनसिपल लॉ क्या होता है? सिंपल भाषा में बताएं तो म्यूनसिपल लॉ होता है नेशनल लॉ, डोमेस्टिक लॉ, इंटरनल लॉ। एक सॉवरेन स्टेट का जो स्टेट की डीलिंग्स में काम आता है उसे बोलते हैं म्यूनसिपल लॉ। नेशनल लॉ बोल लो इसको इजी लैंग्वेज में। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है बॉडी ऑफ रूल्स दैट इज लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन देयर इंटरेक्शन विद अदर स्टेट्स, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। मतलब स्टेट का जो इंटरेक्शन होता है ना दूसरे स्टेट, दूसरी बॉडीज से या इंडिविजुअल से भी, उसे डील करने के लिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ काम में आता है। तो नेशनल लॉ वर्सेज इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की यहाँ बात कर रहे हैं हम। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटर रिलेशनशिप क्या है नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में। मतलब नेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ के नीचे है, ऊपर है, सुप्रीमेसी किसकी है, दोनों सेम है, क्या सीन है पूरा का पूरा। तो सीन ये है कि पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है मोनोइज्म। मोनोइज्म बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू नेशनल लॉ। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रीटी साइन करके आके अपने स्टेट में आके तुम अलग से लॉ बनाओगे तभी वो लॉ बनेगा। वो बोलता है कि ट्रीटी वहाँ पे साइन हुई, ट्रीटी बनी, तो आपका नेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ दोनों सेम फुटिंग पे ही है। तो एक जज, एक जैसे मान लो इंडिया में कोई जज है तो वो ट्रीटी के बेस पे भी अपने डिसीजन देगा, ठीक है। कोई सिटीजन है, अगर अपने इंडिया ने कोई ट्रीटी साइन कर रखी है तो वो जाके उस ट्रीटी के बेसिस पे केस कर देगा कोर्ट में और उस ट्रीटी के बेसिस पे डिसीजन होगा। ऐसा मोनोइज्म की थ्योरी बोलती है, फॉलो नहीं की जाती इंडिया में लेकिन ये थ्योरी बोलती है। अब इसके अंडर में एक डेलीगेशन थ्योरी आती है, मोनोइज थ्योरी है ये, मतलब मोनोइज्म की थ्योरी है। इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रूल्स देते हैं, ठीक है, उसको इंटरनेशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स देता है और वो हर कॉन्स्टिट्यूशन को देता है, हर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को ये रूल्स प्रोवाइड होते हैं। तो ये रूल डिसाइड करते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन कब फोर्स में आएंगी। मतलब डिसाइड तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रहा है कि कैसे फोर्स में आएंगी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर एक तरह से इंटरनेशनल लॉ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दी है। तो इंटरनेशनल लॉ को ऊपर माना गया है इसमें, मतलब इंटरनेशनल लॉ नेशनल लॉ के बराबर या उससे ऊपर माना गया है मोनोइज्म की थ्योरी में, डेलीगेशन थ्योरी के हिसाब से। अब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो है डुअलिज्म का। डुअलिज्म बोलता है कि डिफरेंस है भाई, नेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ सेम फुटिंग पे नहीं है, इंटरनेशनल लॉ ऊपर नहीं है, इंटरनेशनल लॉ को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा नेशनल लॉ में तभी वो नेशनल लॉ में अप्लाई होगा। मतलब आपने जाके ट्रीटी साइन कर ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब अपने देश में आके उसको उस ट्रीटी के जो लॉज हैं उनको या उस कन्वेंशन के जो लॉज हैं उनको अपने नेशनल लॉ में इनकॉर्पोरेट करोगे ना तभी वो फोर्स में आएंगे, उससे पहले फोर्स में नहीं आएंगे। अब इसमें पहली थ्योरी है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी बोलती है ट्रीटीज़ आर ऑफ द नेचर ऑफ प्रोमिसेज, जो ट्रीटीज़ हैं वो प्रोमिसेज हैं लेकिन जो अपना म्यूनसिपल स्टैट्यूट्स है ना, जो अपने नेशनल लॉ हैं वो कमांड्स हैं। तो ये प्रोमिसेज कमांड्स तभी बनेंगी जब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, इन प्रोमिसेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा कमांड्स में, कैसे, इनकॉर्पोरेट करके म्यूनसिपल स्टैट्यूट्स में इनकॉर्पोरेट कर दी जाएंगी जब ये प्रोमिसेज, तब ये कमांड बनेंगी और तभी ये कमांड्स लॉ मानी जाएंगी। उससे पहले सिर्फ प्रोमिसेज होंगी, कमांड्स नहीं होंगे और लॉ कमांड होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी बोलती है। दूसरी थ्योरी है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। मोर और लेस देखो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी और स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी सेम से ही बात करती है, बस ये वर्ड प्ले है तो वर्ड प्ले के लिए अपन याद कर रहे हैं। स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी बोलती है कि इंटरनेशनल लॉ हैज नो एप्लीकेशन इन अ सॉवरेन स्टेट, वही वाली बात ड्यूलिज्म वाली बात, अंटिल एंड अनलेस द सॉवरेन स्टेट स्पेसिफिकली अडॉप्ट्स द इंटरनेशनल लॉ बाय वे ऑफ इनएक्टमेंट। मतलब जो इंटरनेशनल लॉ की जो ये प्रोमिसेज वाली बात है ना, जो इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटी साइन की, कन्वेंशन साइन की, उन कन्वेंशन में जो जो लॉज हैं उनको स्पेसिफिकली जब अडॉप्ट किया जाएगा तो जो वो स्पेसिफिकली अडॉप्ट किए गए लॉज है ना वही नेशनल लॉ में माने जाएंगे, वही इंटरनेशनल लॉ नेशनल लॉ माना जाएगा और वही अप्लाई होगा, बाकी कुछ अप्लाई नहीं होगा। तो ये दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट है, मोनोइज्म और डुअलिज्म, और इसके अंडर में ये तीन थ्योरीज हैं। उसके अलावा एक आती है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। हार्मोनाइजेशन थ्योरी बोलती है कि ना तो म्यूनसिपल लॉ सुप्रीम है ना इंटरनेशनल लॉ सुप्रीम है, ये दोनों ही लॉ बनाए गए हैं ह्यूमंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो किसी एक को भी सुप्रीम बोलना बेवकूफ़पंती है, फालतू का है नाटक सारा, दोनों को बराबर फुटिंग दो तुम।
बराबर फुटिंग कैसे दो, इनमें जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन है ना, मान लो इंटरनेशनल लॉ नेशनल लॉ किसी चीज़ में अलग अलग बातें करते हैं, तो उनको हार्मोनाइज करो। जजेस का काम है कि दोनों सिस्टम को हार्मोनाइज करो, मतलब साथ में उनका मेलजोल बनाओ, ताकि कोई सिस्टम दूसरे से सुपीरियर नहीं हो, मतलब तुम दोनों लॉज को साथ लेके चलो। ये हार्मोनाइजेशन थ्योरी बोलती है। और ये वाली थ्योरी है ना सेंस भी ज़्यादा बनाती है। ये वाली थ्योरी सेंस ज़्यादा क्यों बनाती है, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ ये दोनों क्या, पहले जब ये आए थे शुरू के टाइम पे, इनिशियल पीरियड पे, ये डिफरेंट इश्यूज डील करते थे। जैसे जो इंटरनेशनल लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो स्टेट्स के आपस का इंट्रैक्शन डील करता था, लेकिन म्यूनसिपल लॉ इंडिविजुअल्स के बेनिफिट को डील करता था। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग पर्पस था। लेकिन अब क्या, इंटरनेशनल लॉ भी इंडिविजुअल सेंट्रिक हो चुका है और म्यूनसिपल लॉ तो इंडिविजुअल सेंट्रिक था ही। इंटरनेशनल लॉ कंसेंट्रेटेड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड म्यूनसिपल लॉ कंसेंट्रेटेड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। ये पहले दोनों का काम था, लेकिन अब क्या हो गया, बट नाउ दे हैव अ कन्वर्जेंस इन देयर फंक्शंस, बिकॉज अल्टीमेटली एज द हार्मोनाइजेशन थ्योरी सजेस्ट, द गोल ऑफ बोथ ऑफ देम इज टू सिक्योर वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इन्वायरमेंटल लॉज देख लो आप, इन्वायरमेंटल ट्रीटीज होती है इंटरनेशनल लेवल पे होती है, लेकिन वो अफेक्ट इंडिविजुअल्स को करती है एकदम इंडिविजुअल लेवल पे। कमर्शियल लॉ, दो इंटर कंट्री बिजनेस कर रहा है कोई इंडिविजुअल, और सबसे ऊपर है ह्यूमन राइट्स लॉ। ह्यूमन राइट्स लॉ इंटरनेशनल लेवल पे होती है, लेकिन वो डायरेक्ट ह्यूमंस को अफेक्ट करती है। जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ इंटरनेशनल UDHR के हिसाब से, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ है, लेकिन वो नेशनल लॉ में भी एकदम फंडामेंटल रूप पे आ चुका है। तो ये कन्वर्जेंस की वजह से ना हार्मोनाइजेशन थ्योरी सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है। तो गाइस ये छोटा सा टॉपिक था, तो ये हो गया अपना मोनोइज्म, डुअलिज्म, उसकी तीन थ्योरीज और हार्मोनाइजेशन थ्योरी। तो बेसिक यही है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो, और लाइक मार दो अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और बाकी वीडियोस चेक करो इंटरनेशनल लॉ के प्लेलिस्ट के, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।